अब इसे पुलिस की निष्क्रियता कहें या फिर कुछ और, सेवा सुरक्षा व सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस बदमाशों के आगे असहाय नजर आ रही है और अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के चलते बीती रात रेवाड़ी में हुए गैंगवारी में दो बदमाशों की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने फिर उसी जगह पर एक युवक पर गोली से हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि गोली दुकान के शीशे में लगकर पार हो गई और युवक बाल बाल बच गया। तो चाय की दुकान कर रहा की हो रही है दुकान खोली बैठा बैठा छोरी सियाणी हो रही से फिर दिन रात रात भी आ रहा है दिन भी आ रहा है मुंडा बांध बांध के के मतलब कौन है अब वो पता ना मेरे केस पकड़ लेती तो मैं मान तो कोई रंजिश को बिना भेरो ऐसे के रंजिश है तो शहर में पूछो सारा दुनिया में पूछो अगर कहीं से भी बोल तो भाई लोग की कोई नु कह दे के यो छोरो ऐसे हो तो थारी छुट्टी मेरे से। गोली मारने वाला कौन था कुछ पता चला? अब पता चलता तो जी आपने बताई थी ना सो जाओ और उनके घर जाओ ये तो कोई बालकान बेर हो तो मेरे कहीं देखे तो डेड। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन हमलावरों के नाम सामने आने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए गए हैं और पुलिस है कि वही रटा रटाया जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला अभी तक आपने देखा? अभी इसी छानबीन कर रहे हैं अभी उसके बाद बताएंगे छानबीन कर कौन थे हमलावर कुछ पता चल पाया अभी? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके। सर लगातार गोलियां चल रही है शहर में क्या कर रही है पुलिस? पुलिस पूरी प्रयास कर रही है प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है और पूरी कार्रवाई करेंगे इसके। मगर कुछ भी हो शहर में लगातार एक के बाद एक हो रही वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है वहीं पुलिस कुंभकर्णी नींद सोती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी तत्परता से कार्यवाही अमल में आती है।